गर्मा गर्म खाना आया है अभी जो है, एक एक करके हम इसको खाएंगे। और आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा खाना कम खाना ताकि इतना बेहतरीन कस्टर्ड खा सको। आपका भाई सईद खान है इस वक्त मुंबई में बाईतला रेलवे स्टेशन के सामने है परशन दरबार। आज हम परशन दरबार पर आए हैं उसकी खास वजह, मुंबई के आइकॉनिक रेस्टोरेंट में से एक कहा जाता है परशन दरबार को। एम्बियंस का जवाब नहीं, मैं पहले यहाँ पे खाना खा के गया था, सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए, खाने टेस्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 47 ईयर्स से परशन दरबार के अंदर है। दरबार के जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, आप इस जगह को क्या बोलते हैं आप यहाँ पे? शीश महल। अच्छा, शीश महल के अंदर। और वाकई ये शीश महल है, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, पीछे से आप देख ही सकते हैं, पूरा वाकई एक शीश महल है। अभी क्या लगने जा रहा है हमारा? सेंसा थाल हम लोग का जो अभी बहुत पॉपुलर यहाँ पर चल रहा है, जो एक थाल जो है उसमें ऑल डिफरेंट आइटम आता है, सारा वेराइटी उसमें मिल के आता है। उसमें मेन कोर्स, स्टार्टर्स आ जाएगा, डेजर्ट भी आ जाएगा, सारा चीज कस्टमर को। ये एक्चुअली कम से कम चार आदमी के लिए आएगा थाली। परशन दरबार की स्पेशलिटी सारी इस थाली के अंदर आपको मिल जाएगी। शहंशाह थाल। सारा खाना आ चुका है मेरा, टेबल पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म खाना आया है। अभी जो है एक एक करके हम इसको खाएंगे। ये हमारी जो है थाली तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, बेहतरीन डिशेस के साथ। चलिए अब इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये प्रॉन्स है और ये पंजाबी मसाला है, ये मटन मसाला है, तवा मसाला, ये सूप है, इधर बिरयानी है, और ये जो है बहुत शानदार सॉस होती है जिसे हम प्रॉन्स के साथ खाने वाले हैं। ये दिल खुश है, और ये तुर्की बोटी है, और ये फ़िश है, और यहाँ पे नान है। ये सारी चीज़ें अब हम खाएंगे। तो सबसे पहले हम इस थाली में लेंगे फ़िश, जो काफ़ी अच्छे से ग्रिल करके रखी हुई है, और मसाले लगे हुए हैं इसके ऊपर, कुछ वेजीज भी साथ में दिए, और ये दो टाइप की सॉसेस हैं इसके अंदर। देखते हैं कौन सी है ये सॉस। क्या बात, ताज़ी मुलायम खुशबूदार फिश इसके साथ सॉस बना के दिया, उसका जवाब नहीं। तीखी स्वीट सावरी बेहतरीन फ्लेवर के साथ सॉस और फिश, लाजवाब। इसके अंदर लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 डिशेज हैं, चार लोगों के खाने की है। और पहली जो मैंने बाइट ली है फिश की, उसका जवाब नहीं। तो जी फिश हमारी हो गई है, अब हम लेंगे मटन तुर्की बोटी। ओह, गोश्त इतना मुलायम मटन का कि फिश और मटन में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्या मुलायम है। और मसाले जो इसके ऊपर मैरिनेशन लगा हुआ है, काफ़ी सारा कैशोनट का पेस्ट है, जो कैशोनट का एक फील आ रहा है इसके अंदर, टेस्ट आ रहा है, और बेहतरीन गोश्त के साथ बेहतरीन मज़ा। मसाले ज़रा से भी ओवर पावर नहीं है गोश्त के ऊपर, सॉस जो इसके ऊपर डली हुई है मैरिनेशन, उसका मज़ा आ रहा है, और नॉर्मल जो हम गोश्त खाते हैं उसका मज़ा आ रहा है। ये देखिए आप, गर्दन का पीस है, और बेहतरीन एक्सपीरियंस। ये देखो बोन भी जो है बिल्कुल अलग हो गई है। अब ये जो थाली है चार लोगों के लिए होती है, चार लोग तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन आपका भाई अकेले खा रहा है। मटन हमारा हो गया दिल खुश कबाब, वाह जी वाह, देखने में काफ़ी अच्छा है, मैरिनेशन है ऊपर, चीज़ वगैरह डली हुई है, कैसा है अभी खा के देखते हैं।
ये है कलाकारी। कबाब के अंदर ढेर सारी, ये आपको चीज़ दिख रही है, चीज़ डली हुई है जो गोश्त का अपना मज़ा तो दे ही रही है, उसके साथ साथ जो है चीज़ अपना एक मिल्की मज़ा दे रही है। क्या बात है यार, दिल खुश कबाब, दिल खुश कर दिया कबाब ने। अब हम लेंगे जंबो प्रॉन्स इस सॉस के साथ, जो मैंने पहले भी खा रखा है, बेहतरीन सॉस होती है ये, और अंदर से जो गोश्त निकलता है प्रॉन्स का, उसका तो यार जवाब ही नहीं है। आप खो जाओ सर, देखो आप यार गोश्त देखो आप, बेहतरीन है। सारी बाजी जो मार रही है ना वो मारे सॉस, हल्की तीखी, हल्की सी मीठी, सावरी, ढेर सारा गार्लिक डला हुआ है इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्च डली हुई है, शहद डला हुआ है। लाजवाब, बेहतरीन। फिश खा ली है, मटन खा लिया है, चिकन खा लिया है, प्रॉन्स खा लिया है। ये है चिकन मसाला, ये देखिए आप, ओहो चिकन के छोटे छोटे पीस डले हुए हैं, और कैशो नट जैसी ग्रेवी लग रही है, जैसे कि हम वाइट ग्रेवी खाते हैं, काफ़ी रिच लग रही है। ऊपर फ्राइड अनियन डली हुई है और हरा धनिया डला हुआ है, ढेर सारा घी, एक जम्बो बाइट, बेहतरीन सा बाइट। चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। कोई डिश तो ऐसी हो जो माइनस में हो, कुछ भी नहीं है, हर डिश का मज़ा एक से बढ़कर एक और अलग ही टेस्ट। ये फ्राइड अनियन और छोटे छोटे चिकन के बोनलेस पीसेस डले हुए हैं इसके अंदर, और ये डला हुआ है एग, ढेर सारी अदरक भून के डाली हुई है इसके अंदर। हर डिश एक से बढ़कर एक। सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो इसके मसाले हैं बहुत रिच हैं, एक बैलेंस बना हुआ है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है। कैशो नट का ग्रेवी के अंदर भरपूर फ्लेवर आ रहा है, जो क्रिस्पी करके इसके ऊपर फ्राइड अनियन डली हुई है उसका जवाब नहीं। अदरक को भी जो है इसके अंदर काट के फ्राई करके डाला हुआ है, अंडा डाला हुआ है और चिकन के बोनलेस पीसेस डले हुए हैं। सुपर यार, सुपर। बटर नान के साथ ला जाओ तुझे। अब हम ले लेते हैं मटन तवा मसाला, और अभी हमने खाया है पंजाबी मसाला। चलिए तो मैं आपको मटन की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये देखो आप कितना मुलायम है। एक बाइट ले लेते हैं। गार्निश जो किया हुआ है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक से किया हुआ है, और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाली हुई है। मसाला जो है हल्का सा पायो का टच, जैसे हम दिल्ली में खाते हैं, हल्का सा नहारी का टच, थोड़ा सा कोरमे का, उसको मिक्स करके एक तवा बनाया हुआ है, जो अपने अंदर एक बहुत शानदार है और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा होगा। मसाले बिल्कुल बैलेंस से डले हुए हैं, काफ़ी अच्छा। और गोश्त की क्वालिटी की बात करूँ आपको, इसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। जैसे मैंने अभी फ़िश खाई ना, फिश की तरह सॉफ्ट गोश्त, बेहतरीन बिरयानी बाकी है यहाँ की। और इस थाल के बारे में बताऊँ तो ये कम से कम चार लोगों के लिए हैं, और बहुत बढ़िया थाल है यार, आप खाओगे तो इसका वर्थ है। और ये है बिरयानी, मसालेदार बिरयानी है, और मटन की बिरयानी है, हरा धनिया और खीरा प्याज के साथ है, दही का रायता। ये ले लेंगे मटन। ये देखो यार मटन की क्वालिटी चेक करो, बेहतरीन। ये चलिए बिरयानी खाते हैं। राइस जो है बिल्कुल खिले खिले डले हुए, और गोश्त तो जवाब नहीं यार, दही के रायते के साथ बिरयानी। मुझे लग रहा था हैदराबादी टाइप की बिरयानी होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है। मसालों के अंदर बहुत अच्छी खुशबू है, और इसके अंदर आलू भी डला हुआ है, पोटैटो, और मसाला भी बहुत अच्छा डला हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बोन वाला गोश्त है, ये देखिए गोश्त तो बहुत डला हुआ है इसके अंदर, क्या बात है। अब लेते हैं एक बाइट आलू के साथ मटन बिरयानी की। चावल की क्वालिटी उमदा, मसाला बेहतरीन, गोश्त बिल्कुल मुलायम। तो ये बिरयानी हमने खा ली है, एक चम्मच सूप का लेंगे। सूप जो है काफ़ी अच्छा गाढ़ा है,
इसके साथ ही अभी कैरेमल कस्टर्ड भी देते हैं। कस्टर्ड, इस कस्टर्ड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी फ्रूट्स डाले हुए हैं और बेहतरीन लग रहा है देखने में भी। ब्लूबेरी, रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी सब कुछ डला हुआ है। और आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा खाना कम खाना ताकि इतना बेहतरीन कस्टर्ड खा सको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा खाना, मज़ा आ गया। प्रदीप जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।